बिलासपुर जिला के नैना देवी विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों की समस्याओं के समाधान के मद्देनजर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय देउड़ में जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश की शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने की। वहीं कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनियां भी लगाई गई थी, तो साथ ही निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर का भी आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के दौरान शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने एक बूटा बेटी के नाम और बेटी है अनमोल योजना कार्यक्रम के तहत नवजात बच्चियों को FD और एक पौधा भी दिया, तो साथ ही पोषण आहार सप्ताह दिवस के खास मौके पर स्थानीय ग्रामीणों व अधिकारियों को पोषित आहार लेने और स्वास्थ्य रहने का संकल्प भी दिलवाया। जनमंच कार्यक्रम के दौरान नैना देवी से कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर और BJP के पूर्व विधायक रणधीर शर्मा भी मौजूद रहे। वहीं जनमंच के दौरान विभिन्न पंचायत से संबंधित लगभग कई समस्याएं और मांगे सामने आई, जिनमें से अधिकतर समस्याओं का निपटारा मौके पर कर दिया गया, जबकि अन्य बची हुई समस्याओं को 10 दिन के भीतर निपटाने के आदेश दिए गए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि लाला लाजपत राय धर्मशाला जेल में लगभग 9 महीने तक रहे थे, उनके नाम पर धर्मशाला जेल का नाम होना चाहिए, जो विषय काफी अरसे से चल रहा था, जिसे आज पूरा किया गया। CM ने धर्मशाला जेल के लाला लाजपत राय जिला एवं मुक्त सुधार गृह पर नामांकन कर इसका शुभारंभ किया और जेल में नवनिर्मित प्रशासनिक ब्लॉक का शुभारंभ करने के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए भी बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की आजादी में लाला लाजपत राय का बहुत अधिक योगदान रहा है, उनकी स्मृति में धर्मशाला जेल का नाम लाला लाजपत राय के नाम पर किया गया है। लाला लाजपत के आजादी के आंदोलन में सहयोग के लिए एक सही मायने में श्रद्धांजलि हमारी तरफ से होगी। धर्मशाला उपचुनाव में प्रत्याशी कौन होगा के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी होगा चेहरा अच्छा होगा, जो कि आपको पसंद आएगा। CM ने कहा कि आज संगठन की बैठक से पहले अधिकारियों की बैठक होगी। संगठन की बैठक में पार्टी की गतिविधियां सहित प्रत्याशियों के नाम पर भी चर्चा की संभावना है। इसके अतिरिक्त देश भर में चल रहे पार्टी के सदस्यता अभियान पर भी चर्चा की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में उपचुनावों की हवा ने नेताओं को फिर से जगा दिया। पूर्व कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे विजय सिंह मनकोटिया ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर तीखा प्रहार किया है। धर्मशाला में मनकोटिया ने कहा कि पी चिदंबरम जेल में है तो वीरभद्र क्यों नहीं। प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए वीरभद्र सिंह ने सिर्फ स्टेट हेलीकॉप्टर पर मौज उड़ाई है। मनकोटिया ने खुलासा करते हुए कहा कि एक साल में वीरभद्र सिंह ने 13,43,94,000 का खर्च किया है, जो 5 सालों में 1,11,74,000 के करीब रहा। ये 2013 का आंकड़ा है जो वीरभद्र सिंह ने बतौर मुख्यमंत्री ही खर्च कर दिया। 111 करोड़ की राशि तो केवल उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर के लिए ही खर्च की है। मनकोटिया ने भत्ते बढ़ोतरी पर जयराम सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। मनकोटिया ने कहा कि मुख्यमंत्री और उनके नेता अपनी आमदनी के बजाय देश की आमदनी बढ़ाने पर जोर दें। कब तक केंद्र सरकार के भरोसे काम चलता रहेगा। आज के दौर में सरकार की आमदनी का जरिया शराब तक की ही सीमित रह गया है। मुख्यमंत्री अपने खर्चों को भी कंट्रोल करें और इन्वेस्टर मीट से पहले श्वेत पत्र जारी करें। जिला कांगड़ा में पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा के लिए उपमंडल पालमपुर में 13 केंद्रों के बाहर सुबह से ही भीड़ जुट गई थी। कड़ी सुरक्षा के बीच पूरी जांच के बाद ही युवाओं को परीक्षा हॉल के अंदर भेजा गया। सभी केंद्रों में पुलिस प्रशासन ने इस मर्तबा हाईटेक सिक्योरिटी का प्रबंध किया था। आपको बता दें कि पहले लिखित परीक्षा परौर स्थित राधा स्वामी सत्संग परिसर में 11 अगस्त को आयोजित की गई थी। उस दौरान परीक्षार्थियों ने सारी चौकसी को धत्ता बताकर हाईटेक तरीके से नकल की थी। इस बवाद भनक पुलिस के गुप्तचर विभाग को लग गई थी और उसके बाद कई युवाओं को हवालात की सहर भी करनी पड़ी थी। साथ ही प्रदेश सरकार ने लिखित परीक्षा भी रद्द कर दी थी। पालमपुर में शनिवार को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। शहर के सभी
प्रवेश स्थलों पर पुलिस का कड़ा पहरा था। डीएवी पालमपुर, सेंट पॉल स्कूल, कन्या पाठशाला, विला कामेलिया, विशाल रेजेंसी, कृषि विश्वविद्यालय, केएलबी कॉलेज, नेता सुभाष चंद्र नर्सिंग कॉलेज, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल, सरकारी स्कूल राजपुर के अलावा अन्य केंद्रों में भी सुबह से ही पूरी कड़ी व्यवस्था की गई थी। वहीं उत्तरी रेंज डीआईजी संतोष पटियाल का कहना है कि पुलिस परीक्षा बड़े ही शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई है और कहीं भी कोई भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है तथा सुरक्षा की दृष्टि से पूरे इंतजाम किए हुए थे। वहीं जिला कांगड़ा के 265 पदों के लिए 11,545 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी।